पंचायत चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन तक प्रधान पद के लिए 11,292, बीडीसी के लिए 9,037, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 16,076 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 984 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। डीपीआरओ ने कहा, 7 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन और 15 को होगा मतदान। रविवार को साल 2021 में गोरखपुर में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 100 के आंकड़े को किया पार। मिले 114 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 22,115। अब तक 368 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 525 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट जांचेंगे मतदान केंद्रों की संवेदनशीलता। सीडीओ ने कहा, मतदान कर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बांसगांव क्षेत्र के ताल अमियार सहित विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं के फसल में लगी भीषण आग, कई एकड़ फसल जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंची कई दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में रही नाकाम। एडीएम फाइनेंस ने कहा, पीड़ित किसान ई डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन पर करें ऑनलाइन अप्लाई, मिलेगा मुआवजा। जनपद में 129 केंद्रों पर शुरू हुए गेहूं खरीद की प्रक्रिया। एडीएम फाइनेंस ने कहा, 1,975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से संबंधित क्रय केंद्रों पर गेहूं बेच सकते हैं किसान, मूल्य का सीधे उनके बैंक खाते में होगा भुगतान। स्वर्गीय पी के लाहड़ी की तृतीय पुण्यतिथि के अवसर पर डाक टिकट की लगाई गई प्रदर्शनी। डाकघर के प्रवर अधीक्षक ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन, कहा, प्रदर्शनी से मिलती है नई नई जानकारी। 6 अप्रैल से 3 शिफ्टों में दी जाएगी पंचायत चुनाव के लिए 24,000 कार्मिकों को ट्रेनिंग। एडीएम फाइनेंस ने मतदान कार्मिकों से की अपील, कहा, अवश्य करें अपनी ट्रेनिंग। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 50वीं पुण्यतिथि पर निकाला गया नगर संकीर्तन यात्रा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। मातृछाया की संवासिनी रूबीना को उनके पति को किया गया सुपुर्द। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने उपहार देकर किया विदा। वली फाउंडेशन के ट्रस्टी मीडिया से हुए रूबरू, कहा, सामाजिक कार्यों के साथ प्रतिभाओं का नया मंच तैयार करेगा वली फाउंडेशन। अकीदत के साथ रविवार को मनाया गया हजरत सैयद शालार मशूद गाजी मियां के लगन की रस्म अदायगी, बड़ी संख्या में मौजूद रहे अकीदतमंद। और भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्री राम कथा में कथाव्यास ने राजा दशरथ के दाम्पत्य जीवन का किया वर्णन, भाव विभोर हुए श्रोता।